तो हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं निकल चुका हूँ रूम से और अभी जा रहा हूँ मैं सिंपल का जो जीरो पॉइंट बोल सकते हो या मेन मार्केट, उधर एक कैबेज का प्लॉट लगे था। तमु ने सीखे थे कि कैसे कैसे क्या करना है। तो चलो बाय बाय काका का होम खुमाम इको टूरिज्म पार्क हरारो। ये तमु और उनका बीबी, थैंक यू सो मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और आज है 23 अप्रैल और आज मैं जा रहा हूँ एक स्पेशल जगह पे, तो वो स्पेशल जगह जाने के लिए बने रहो मेरे साथ। और अभी बज रहा है 7 और अभी नहा धो के ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे, तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस अभी मेरा नहाना धोना हो गया, अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद डायरेक्ट जाऊँगा। और इधर है हमारा जो मेस जिससे खाना लगे, तो देख सकते हो गाइस अभी आज मिला है हमको चाउमीन। और नॉर्मली एक दिन चाउमीन रहता है और एक दिन पोहा और सूजी भी रहता है, तो ये तीनों आइटम रहता है ब्रेकफास्ट के लिए। तो गाइस अभी मैं निकल चुका हूँ रूम से और अभी जा रहा हूँ मैं, तो पहले तो आपको नहीं बताया कि कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं अभी जा रहा हूँ जो हरारो, हरारो मतलब हमारा जो रावे के टाइम में जो विलेज अटैचमेंट था तब उधर एक महीने रहता, तो हमारा पोस्ट फॉरमैन भी उधर था, तो उधर ही जा रहे हैं उनसे मीट करने। और ये वाला है हमारा जो मेन गेट और सामने ही एटीएम है, एटीएम से पैसा निकालेंगे क्योंकि जाने के टाइम तो पैसा लगेगा, तो पैसा निकल के उसके बाद डायरेक्ट चले जाएंगे। तो गाइस देख सकते हो ये हमारा मेन गेट और इधर नॉर्मली ऑटो मिल जाता है लेकिन आज संडे है इसलिए इधर ऑटो नहीं है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं इम्फाल का जो जीरो पॉइंट बोल सकते हो या मेन मार्केट, ये इम्फाल टाउन देख सकते हो, ये वाला पूरा इम्फाल। और उधर से हम ऑटो लेंगे जो हरारो जा रहे हैं। तो हे गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं हरारो में जो हमारा होश फार्मर का घर है, ये है उनका घर, तो चलो चलते हैं अंदर। तो देख सकते हो गाइस अभी हम आ चुके हैं हमारा जो होश फार्मर है उनके घर पे। और देख सकते हो ये है हमारा फार्मर का जो फील्ड था, छोटा सा ही फील्ड है, इसके अंदर ही काम किया था। उधर एक कैबेज का प्लॉट लगाया था। और देख सकते हो इधर ओनियन भी ऐसे काका झूला के रख दिया है। और इधर था काका का काउ। तो गाइस हमारे साथ कौन कौन आया, ये आलोक, ये देवलीना और ये आईना। तो हम लोग ना पूरा एक 5 लोगों का ग्रुप था, तो हमारा होश फार्मर था ये, तो आपको मिलाऊंगा जो हमारा होश फार्मर है उनसे भी मिलाऊंगा। तो 5 लोगों का ग्रुप था और उनके अंडर में हम काम किया था, या फिर जो विलेज अटैचमेंट था या रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस था हमारा जो, तो वो इनके साथ ही हमारा था सब। तो गाइस देख सकते हो ये हमारा जो काका या फिर होश फार्मर बोल सकते हो जिनके अंडर में हम रवि के अंडर काम किया था वो था ये। तो गाइस उन्होंने क्या अरेंज किया हमारे लिए एटी और ये एक्स। तो खाना वाना खाते और उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो देख सकते हो गाइस अभी हमारा फार्मर दिखा रहा है कि यहाँ से जो 7 ड्रैगन फ्रूट इसने हार्वेस्ट किया, तो वो बोल रहे हैं कि ये देखो उनका ड्रैगन फ्रूट का, हमें भी दिया था ये वाला जो है ना इस टाइप का एक दिया था, तो ये 3 साल लगेगा बड़ा होने में, तो इसलिए अभी तक तो नहीं हुआ हमारा, तो ये समझा रहा है आलोक को और उसके बाद आलोक हमें ट्रांसलेट करके देगा। तो देख सकते हो गाइस ये वाला जो पूरा कैबेज प्लॉट है ना इसको हमने प्रिपेयर किया था और तमु ने सिखाया था कि कैसे कैसे क्या करना है, तो जो जो अच्छा वाला था वो तो हार्वेस्ट कर लिया लेकिन ये अभी ग्रो हो रहा है। तमु बोल रहे ना कि एक कैबेज का 1 किलो या 1.5 किलो करके निकाला जो हार्वेस्ट कर लिया, अच्छा वाला जो हार्वेस्ट लिया था, लेकिन इस ये वाला जो है ना वो थोड़ा अच्छे से ग्रो नहीं हुआ, ये पूरा इधर था और इधर भी था। ये देखो गाइस ये है तमु का जो शुगर केन, 2 है अभी लेकिन पहली बार जब आया था बहुत सारा था और इसमें से एक काट के हम लोग को दिया था जब पहला दिन आया था। तो गाइस देख सकते हो ये वाला है तमु का पूरा गार्डन या किचन गार्डन। तो देख सकते हो गाइस अभी हमारा लंच भी रेडी हो गया, तमु ने अचानक से पूरा प्लान नहीं था लेकिन अचानक से लंच रेडी कर दिया। तो चलो बाय बाय काका का होम। तो गाइस अभी हम खाना वाना खा चुके हैं और बाहर निकल चुके हैं हमारा जो होश फार्मर था उनके घर से। और अभी है ये है हमारे साथ उनका बेटा, तो ये हमको अभी घुमा रहा है जो हरारो गांव है। और अभी हम लोग जा रहे हैं जो इको टूरिज्म पार्क करके कुछ है इधर, तो वही देखने जा रहे हैं। तो देख सकते हो इधर एक नेशनल बायो रिसोर्स पार्क भी है, उधर पहले गया था जब राव के टाइम पे, बहुत बार गया था, 2-3 बार गया था। और ये है हरारो गाँव और इधर है बड़ा सा फील्ड, इधर फुटबॉल खेलते हैं सब लोग। तो देख सकते हो गाइस इस फील्ड का बात कर रहा था मैं, कितना बड़ा है देखो, इधर प्रैक्टिस वगैरह भी होता है। और ये देख सकते हो ये है इस गांव का कुछ घर का टाइप, इस टाइप का घर ही है पूरे गांव में। तो गाइस देख सकते हो ये वाला है नेशनल बायो रिसोर्स पार्क और आज क्योंकि संडे है इसलिए ये बंद है, नहीं तो नॉर्मली खुला रहता है। और तो देख सकते हो गाइस कितना सुंदर है ये गाँव और थोड़ा थोड़ा बूंदाबूंदी भी हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं इस इधर। हम लोग अभी जा रहे हैं इको टूरिज्म पार्क करके कुछ है उधर जाएंगे अभी हम लोग।
और ये वाला है जो मैंने बोला था आपको, नेशनल बायो रिसोर्स पार्क। तो ये देख सकते हो इसका बोर्ड, खुमाम इको टूरिज्म पार्क हरारो। इसका एंट्री फी है 10 रुपये, लेकिन हम लोग को एंट्री फीस पे नहीं कर रहे, और विजिटिंग आवर भी देख सकते हो कि यहाँ क्या है। तो चलो अंदर चलते हैं। और इधर देखो पूरा बादल छाया हुआ है। तो हे गाइस, अभी हम आ चुके हैं जो इको टूरिज्म पार्क करके था, और इधर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। देख सकते हो आप, इधर पेड़ वेड़ लगाया गया है, इधर पूरा पेड़ वेड़ लगाया गया है। तो अभी धीरे धीरे जब ये बड़ा होगा तब दिखने में अच्छा लगेगा। और यहाँ से पूरा पहाड़ स्टार्ट हो जाता है, देख सकते हो आप। ये वाला तो छोटा छोटा पहाड़ है, लेकिन इसके बाद वाला जो ना बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है। और देख सकते हो इधर से दिख रहा है जो ये नेशनल बायो रिसोर्स पार्क है, वो वाला है उसका बिल्डिंग। और इधर जो देख रहे हो ना, इसके अंडर में, नेशनल बायो रिसोर्स पार्क के अंडर में ही बहुत सारा ग्रीन हाउस है, तो वो है ये वाला। और देख सकते हो पूरा व्यू उसका कुछ ऐसा है। तो देख सकते हो गाइस, ये 2020 में ही स्टार्ट हुआ है बनना, तो इसलिए अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो देख सकते हो गाइस कितना जोर का बारिश आ रहा है, अभी पूरा काला हो गया ये। तो अभी जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा हम लोगों को। तो देख सकते हो गाइस, हमारा जो होस्ट फार्मर है उनका बेटा अभी गाड़ी लेके आया, तो अभी इस गाड़ी से ही जाएंगे क्योंकि इतना बारिश आ रहा है ना। तो चलते हैं। अभी हम आ चुके हैं जो हरारो का मेन रोड है, ये देख सकते हो, ये वाला है मेन रोड। इधर आपको ऑटो मिल जाएगा जो हरारो आना चाहते हैं या फिर जाना चाहते हैं, यहाँ से ऑटो मिल जाएगा आपको, देख सकते हो ये वाला। और इधर तक तमो ने छोड़ दिया, और ये तमो और उनका बीवी, थैंक यू सो मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। Manipur is burning. We're gonna f*** you up. The Manipur government issued shoot at site orders last night. सेना ने आज फ्लैग मार्च किया है। राज्य में अगले 5 दिनों के लिए मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। This is a very horrific news. 2 women being paraded naked. मणिपुर में भीड़ ने मां बेटे समेत 3 लोगों को जिंदा जला दिया।